हरदा कलेक्टर ने नगरपालिका परिषद के प्रस्ताव को आने वाली परिषद तक निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने यह फैसला जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिया। बता दें, नगरपालिका परिषद ने वार्ड क्रमांक 20 में हॉकर जोन बनाने के उद्देश्य से रखी गई घुमटियों के विरोध में याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट पेश की गई। मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि थाने और स्कूल के बीच में नाला बहता है, वहां नगर पालिका की पिछली परिषद थी जिसने नाले पर स्लैब डाल टप रख दिए थे। टप रखने के दौरान असल चीजों का की अनदेखी की गई और नालों को कवर कर निकासी रोकी जा रही है। सबसे पहले तो पानी की निकासी रोकी जा रही है नालों को कवर करके, और ये जो नाला है ये हरदा सिटी कोतवाली और स्कूल के बीच में बहता है। इस नाले को कवर करके वहां गुमटियां रखी गई, जो कि स्कूल और सारे स्कूल और इवन वहां ट्रैफिक की समस्या, स्कूल की समस्या, बच्चियों की पढ़ाई की समस्या, लड़कियों का स्कूल है उसको भी अनदेखी किया गया। इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर द्वारा एक समिति बनाकर रिपोर्ट मंगाई गई। उस रिपोर्ट में जो 7 सदस्य थे, उन 7 ने साफ तौर पे लिखा कि इस तरह इस नाले को कवर नहीं किया जा सकता और ना ही घुमटी रखी जा सकती। देखिए, नगर पालिका हरदा ने नगर पालिका परिषद वार्ड क्रमांक 20 में घुमटियों को आवंटन करने का सोचा। अब एक पूरा नाला बना हुआ है जो कि पूरे हरदा में जो एकमात्र शासकीय स्कूल है लड़कियों के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, उसके जस्ट बाजू से एक नाला बहता है और वो नालों पर घुमटियाँ बना दी गई। हमने कलेक्टर महोदय के सामने एक आवेदन लगाया और ये कहा कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से नालों पर घुमटियाँ बनाना जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और जब से वहाँ टब रखे हैं स्कूल में, जो गर्ल्स स्कूल है उसमें पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। और दूसरी दिक्कत बच्चियों को ये भी आ रही कि जो हवा उनको ताजी मिलना चाहिए वो भी पूरी तरह से बंद हो गई है। ये स्थिति को देखते हुए हमने कलेक्टर महोदय को एक शिकायत की थी और बाद में एक प्रकरण भी लगा था, जिसमें हमने मुख्य रूप से ये दोनों बातें उठाई थी। और इसके अलावा हमने उनसे उसमें ये भी कहा था कि अगर यहाँ हॉकर जोन बनता है तो शोर शराबा होगा, इससे बच्चियों को पढ़ने में दिक्कत आएगी,